हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कुछ नए दैनिक बोले जाने वाले वाक्य और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर की कुछ नए रूल्स की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेंटेंस। आज की वीडियो का पहला सेंटेंस है, तुम किस शहर में हो। तुम किस शहर में हो अक्सर हमें पूछना होता है, तो हम लोग पूछते हैं तुम किस शहर में हो। तो इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है, विच सिटी आर यू इन। विच सिटी आर यू इन, विच सिटी यानी कि किस शहर, आर यू इन यानी कि किस शहर में तुम हो। विच सिटी आर यू इन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी, सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। इसको ट्रांसलेट करेंगे यू मेड होच पोच। होच पोच का मतलब होता है गड़बड़ कर देना या फिर गड़बड़। यू मेड होच पोच। अगला सेंटेंस, मेरे पीछे कौन खड़ा था। मेरे पीछे कौन खड़ा था, मुझे ये मालूम नहीं था मेरे पीछे कौन खड़ा था। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, बिहाइंड यानी पीछे, मी यानी मेरे। हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। नेक्स्ट, तुमने मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी। ऐसा किसी ने नहीं किया लेकिन तुमने मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी। तो इस तरह से यह ट्रांसलेट किया जा सकता है यू फुलफिल्ड माई होल हार्टेडली विल। यू फुलफिल्ड माई होल हार्टेडली विल। फुलफिल का मतलब होता है इच्छा पूरी करना। सो यू फुलफिल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। यू फुलफिल्ड माई होल हार्टेडली विल। विल यानी इच्छा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। यंगर यानी छोटा और यंगेस्ट यानी सबसे छोटा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, वह अंग्रेजी में अच्छा है। वह मैथ में तो अच्छा है ही, साथ ही साथ वह अंग्रेजी में भी अच्छा है। ही इज आल्सो गुड एट इंग्लिश। ही इज आल्सो गुड एट इंग्लिश। किसी चीज़ में अच्छे के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। ही इज आल्सो गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दिल्ली के आसपास हो। मुझे लगता है तुम दिल्ली के आसपास हो। यू आर नियर अबाउट दिल्ली। यू आर नियर अबाउट दिल्ली। नियर अबाउट यानी कि के आसपास, नियर अबाउट के आसपास। अगला सेंटेंस है, वो अंग्रेजी बिना रुके बोलता है। वो अंग्रेजी में अच्छा है इस वजह से वो अंग्रेजी बिना रुके बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से वर्ब में यस का प्रयोग किया गया है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह या फिर बिना रुके हुए। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कब से ऑफिस में है। अक्सर हमें पूछना होता है वो कब से ऑफिस में है। इसको ट्रांसलेट करेंगे सिंस वेन इज ही देयर इन ऑफिस। सिंस वेन यानी कि कब से। सिंस वेन कब से इज ही देयर इन ऑफिस। अगला सेंटेंस, अपनी गलती मान लो। तुमने जो किया सो किया, अपनी गलती मान लो। कन्फेस योर फॉल्ट। कन्फेस योर फॉल्ट, गलती मानने के लिए कन्फेस का प्रयोग किया जाता है। तो कन्फेस योर फॉल्ट। अगला सेंटेंस, मेरे पैर में क्या है। मेरे पैर में क्या है, चोट है या फिर कांटा, मेरे पैर में क्या है। व्हाट इज देयर इन माई लेग। व्हाट इज देयर इन माई लेग। अगला सेंटेंस देखते हैं, ज़्यादा की उम्मीद मत करो। ज़्यादा की उम्मीद मत करो, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता इसलिए ज़्यादा की उम्मीद मत करो। डोंट एक्सपेक्ट मच। डोंट एक्सपेक्ट मच। एक्सपेक्ट यानी होता है उम्मीद करना, यह एक वर्ब है। डोंट एक्सपेक्ट मच। मच यानी ज़्यादा। डोंट एक्सपेक्ट मच। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। I was there with you every moment. I was there with you every moment. Every moment यानी कि प्रत्येक क्षण या फिर प्रत्येक पल। I was there with you every moment. Next sentence, तुम में यह कहने का साहस नहीं है या फिर तुम्हारे पास यह कहने का साहस नहीं है। You don't have guts to say it. You don't have guts to say it. अब देखिए don't का प्रयोग किया गया है। Don't have इसका मतलब है पास। You don't have guts यानी कि साहस। You don't have guts, तुम्हारे पास साहस नहीं है। To say it यानी कि इसे कहने का या कहने का। You don't have guts to say it. Next,
गाड़ी में कितना पेट्रोल है, अक्सर हम पूछते हैं गाड़ी में कितना पेट्रोल है, अभी हमें ज़्यादा दूरी तय करनी है, गाड़ी में कितना पेट्रोल है। हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। अब देखिए हाउ मच का प्रयोग किया गया कितने के लिए, और एक बात ध्यान देने योग्य है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। अगला सेंटेंस, मैं बस निकलने ही वाला था, मैं बस निकलने ही वाला था इतने में आप आ गए। इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव यानी कि बस निकलने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव। नेक्स्ट, किस शहर में हो तुम इस वक्त, किस शहर में हो तुम इस वक्त। विच सिटी आर यू इन राइट नाउ, विच सिटी आर यू इन राइट नाउ, राइट नाउ यानी कि इस समय या फिर इस वक्त। विच सिटी यानी कि कौन से शहर, किस शहर, आर यू इन यानी कि हो, विच सिटी आर यू इन राइट नाउ। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। वाट आर यू बैबलिंग, वाट आर यू बैबलिंग, बैबल बैबल यानी होता है बड़बड़ाना, और बैबल के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। वाट आर यू बैबलिंग। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, अलाइव यानी कि जीवित या फिर जिंदा, आई एम अलाइव यानी कि मैं जिंदा हूँ, ओनली यानी केवल या फिर सिर्फ, फॉर यू तुम्हारे लिए, आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम चुप क्यों नहीं बैठते, तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तुम चुप क्यों नहीं बैठते। वाई डोंट यू सिट साइलेंट, वाई डोंट यू सिट साइलेंट,